हमारे देश के संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक देश है, तो हिंदू राष्ट्र का एक देश में हवा खड़ा करके हिंदुओं का ही सबसे बड़ा ज़्यादा जो शोषण किया जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर ही सबसे ज़्यादा हमले हैं, हिंदू राष्ट्र का ख्वाब दिखा करके सबसे ज़्यादा हिंदुओं को बेरोजगार किया जा रहा है, महंगाई से अगर ज़्यादा पीड़ित है, सबसे ज़्यादा हिंदू प्रभावित है, तो हिंदू राष्ट्र के नाम पर सबसे ज़्यादा हिंदुओं को ही ठगा जा रहा है। ना तो मुल्ला टाइट है, ना हिंदू टाइट है, सबकी हालत पस्त है, सब जो है भूखे मरने की स्थिति में है, रोजगार है नहीं, काम धंधे है नहीं, तो तमाम चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग इस समय परेशान हैं और सबको जो है रोजी रोटी चाहिए। भाजपा के मुख्यमंत्री या मंत्री के कहने से ना तो हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ना मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक व्यवस्था है, हिंदू राष्ट्र किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि हिंदुस्तान के अंदर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी मजहब के लोग रहते हैं, आज तक सब लोग मिलकर के साथ रहे हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने मिल करके लड़ी है, तो हिंदू राष्ट्र का जो हवा खड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियों को सेक रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पर सिर्फ लोगों को जो ठगा जा रहा है, उनसे वोट बटोरी जा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हिंदू हो रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। अरे साधु संत के साथ तो मोदी जी है, आप देखिए अब ये जो राम रहीम है उसको छोड़ दिया ना, ये जो बाबा है इन सबको छोड़ दे रहे, जो रेप है, जो बिल्किस बानो पे जिसने रेप किया था उनको छोड़ दिया, तो अगर वो जो रेपिस्ट है उनके साथ वो है, अगर उनको छोड़ देंगे ऐसे बाबा और उनको उनके पीछे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसी के खिलाफ भी तो हम खड़े हैं यहाँ। हाँ वो झंडा उठा के वो कह रहे चमत्कारी, अगर वो झंडा उठा के अगर इतना है उनके, अगर उनके पास इतना चमत्कारी है तो उनको बोलिए ना कि जो गरीब है उनको खाना दे, ये चमत्कारी करके उल्टा सीधा काम ना करके गरीबों को बोले उनको गरीबों को खाना दे। कहा क्या जा रहा है, वही हो रहा है, वो हिंदू मुस्लिम करके वोट दे रहे हैं, और जो जनता है इसलिए हम जनता को जागरूक करने के लिए उनके पास जा रहे हैं, जनता हिंदू मुस्लिम के पीछे पड़ी गई है, और जो उनको कुछ जनता ऐसा नहीं है लेकिन कुछ लोग जो हमारे पीछे भी है जो ये कह रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें शिक्षा चाहिए। हम चाहते हैं ये नफरत ना फैलाया जाए, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, हम अगर शांति का, पीस का अगर हम लेके चलेंगे, शांति को लेके चलेंगे, हिंदू मुस्लिम एक साथ अगर होके चलेंगे, तो मैं सोचती हूँ कि हमारा भारत जो है सपनों का भारत जो हम देखना चाहते हैं, जिसमें सब एक साथ मिलके, एक साथ जुड़ के, जो गांधी जी ने भी सोचा था कि हम सब एक है करके हम काम करेंगे। गौतम अडानी सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों का लाभ लेकर के अडानी जी ऊपर गए हैं, और अडानी के आज तमाम जो है लूट खसोट जो है उजागर हुई है, और जब लूट खसोट उजागर हुई है तो अडानी के ऊपर जो इस समय स्थिति बनी है उसको देश के साथ जोड़ करके कि देश के ऊपर हमला है, तो अडानी के ऊपर देश के ऊपर हमला कैसे हो सकता है? अडानी ने देश की संपत्ति को लूटा है, सरकार ने लुटवाया है, अडानी को बचाने के लिए पूरी सरकार आज उनके साथ खड़ी है, अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उस पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए, लेकिन गिरफ्तारी होती है मनीष सिसोदिया की, गिरफ्तारी अडानी की नहीं होती है, और ये गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की भी इसलिए की गई है कि हैंडवर्क की जो रिपोर्ट है अडानी को बचाने के लिए, जनता से मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, इस पूरे घटनाक्रम से ध्यान हटाने के लिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी जो की गई है। मनीष सिसोदिया को जो गिरफ्तारी है राजनीति के स्टैंड है, और लगातार जितने भी सीबीआई द्वारा सरकार के सह पे जो ये मुकदमे हो रहे हैं कोर्ट में जाकर के तमाम मुकदमे खारिज हो जाते हैं, एक भी मुकदमा सरकार साबित नहीं कर पाई है, तो ये इस बात से बिल्कुल साफ है कि जो है सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। अडानी को क्यों गिरफ्तार किया गया? बीजेपी के तमाम नेताओं के ऊपर दुनिया भर के मुकदमे हैं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? विपक्षी नेताओं को ही क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? तो सवाल तो बनता है कि जो है सिर्फ एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है? अगर कार्रवाई होनी है तो मनोज सिसोदिया के ऊपर कर रहे हो, तो अडानी को पहले अब तक जेल भेज देना चाहिए था, क्यों नहीं भेजा ने उन्हें? अडानी ने क्या किया है? अरे पूरी देश की संपत्ति लूट ली उन्होंने, जनता का पैसा लूटा है, तो अडानी के ऊपर क्यों नहीं बनता? लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं अडानी तो। अरे कहाँ रोजगार दे रहे हैं? राष्ट्रवादी उद्योगपति नहीं है, राष्ट्रवादी उद्योगपति जो बीजेपी ने उनको बनाया है। अडानी कहाँ थे जब मोदी जी आए थे? मोदी जी ने जिस तरह उनको हायर किया है और तमाम नीतियाँ बना करके, तमाम छूट दे करके, तमाम ठेके उनको दे करके उनको एक बड़ा उद्योगपति बनाने में बीजेपी की एक बड़ी भूमिका है। सरकार के जन विरोधी बजट के खिलाफ पूरे दिल्ली, NCR, गाजियाबाद, नोएडा के अंदर एक बड़ा अभियान चलाने के बाद आज जंतर मंतर पर हमने प्रदर्शन किया है और सरकार के सामने मांगों को रखा है कि जो जन विरोधी बजट है, मजदूर विरोधी बजट है,
उस बजट में सरकार सुधार करें, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बजट में और आवंटन किया जाए, मनरेगा के जो बजट में जो कटौती की गई है उस कटौती को सरकार वापस ले और पूरा जो बजट में जो है फंड का आवंटन किया जाए। जनता भी ये उम्मीद कर रही है कि जो बजट अमृतकाल का बजट है, अच्छा बजट होगा, जनता को राहत मिलेगी, महंगाई कम करने वाला बजट होगा, रोजगार पैदा करने वाला बजट होगा। लेकिन अमृतकाल का बजट, अमृतकाल का जो है ख्वाब दिखा करके लोगों के मुँह में जो है जहर ठूस दिया गया है, ये ऐसा बजट है नहीं। नहीं, हमारा काम जो है सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का है। अगर सरकार कोई अच्छा काम करेगी निश्चित रूप से हम उसकी बड़ाई करेंगे, उसका स्वागत करेंगे, समर्थन करेंगे। लेकिन जो जनविरोधी सरकार के काम है, विपक्ष की अहम जिम्मेदारी है कि सरकार की खामियों को, उनकी गलत नीतियों को जो है जनता के बीच में लेकर के जाए, वो काम हम जो मजबूती के साथ कर रहे हैं। जनविरोधी इसलिए है कि इस बजट के अंदर ना तो महंगाई को कम करने के लिए कोई प्रावधान किए गए हैं, रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। मनरेगा का जो बजट है उसके जो राशि में भी जो उन्होंने कटौती कर दी है, ताकि मनरेगा योजना को पूरी तरह विफल करने के लिए सरकार की एक सोची समझी जो है रणनीति है। तो लगातार शिक्षा व्यवस्था के अंदर भी जो उन्होंने बजट में जो है कम किया है। तो लगातार जो जनता से जुड़े हुए तमाम जो मुद्दे हैं, इशू है, उनमें तमाम चीज़ों में कटौती की गई है। उद्योगपतियों को रियायतें दी गई है, लेकिन मजदूरों के और गरीब आम जनता के ऊपर जो है टैक्स बढ़ाए गए हैं, उनकी जो सुविधाएं में कटौती की गई है। तो इसलिए बजट जो है जनविरोधी बजट है। हम चाहते हैं सरकार इस बजट में जो संशोधन करें, मनरेगा के लिए पूरा जो है बजट का आवंटन किया जाए, रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था इस बजट में की जाए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए गरीब बच्चों को जो है शिक्षा में ले पाएँ उसके लिए व्यापक जो है प्रबंध किए जाने चाहिए, रोजगार बढ़ाने के लिए जो है उसमें नीतिगत बदलाव होने चाहिए, सरकारी नौकरी पर जो पाबंदी लगी है वो हटनी चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्र को जिस तरह निजीकरण किया जा रहा उस निजीकरण पर रोक लगनी चाहिए। ये बजट जो है जनता, आम जनता, गरीबों के खिलाफ का बजट है, ये जन विरोधी बजट है, ये महिला विरोधी बजट है, ये युवा विरोधी बजट है। अरे अमृतकाल का वही तो हम भी ये देखना आते हैं, और हम भी मोदी जी से, जैसा कि यहाँ पे आम अलग जो वक्ता उन्होंने भी यही बोला कि हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम उनकी जो विरोध जो नीति है उसके खिलाफ है। ये आम जनता का बजट अब कैसा है, अब मुझे बताइए। जहाँ पे उन्होंने नौकरियों के बारे में इस बार कुछ भी नहीं बोला, जैसा उन्होंने जब 2014 में वो आए थे उन्होंने बोला था कि वो एक साल में 2 करोड़ नौकरियां लाएंगे, क्या वो उन्होंने वो नौकरियों का जो हमसे जो वादा किया था वो निभाया? आप मुझे बताइए, अभी भी ऐसे कितने जगह है गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी ऐसे जगह है जहाँ पे पोस्ट वैकेंट है, वो फुलफिल नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? देखिए, अगर जनता अगर कमाएगा नहीं, अगर खा नहीं सके, कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? तो नौकरी अगर नहीं होगा तो खाएगा कहाँ से, आप मुझे बताइए। वही तो मोदी जी जो है उसको, मतलब मोदी जी या उनके जो सरकार के जो बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं उस बात को वो हटा रहे हैं। वो अगर हम बोल रहे हैं हमें नौकरी चाहिए, अगर जनता बोल भी रही है कि हमें नौकरी चाहिए, हमें खाना चाहिए, तो वो उस बात को अगर हिंदू मुस्लिम का कर रहे हैं। अरे अगर वो एक साइड में देखिए हमारा जो संविधान है उसमें भी लिखा है कि हम सब एक है, डेमोक्रेसी हमारे इसमें लिखा हुआ है कि हम सब एक है। तो ये चीज़ अगर हम संविधान को अगर हम सोचे, तो अगर हम उसको सोच के, उस नीति को अगर सोच के मोदी जी अगर करेंगे, तो हमारे लिए ये हिंदू मुस्लिम अगर साइड में रख के अगर वो गरीबों के लिए करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे, महिलाओं को जो नौकरी चाहिए। देखिए, मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हिंदू राष्ट्र बन के उद्धार नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ। लेकिन जैसा कि हमारा राष्ट्र तो पहले भी एक राष्ट्र ही तो है ना, भारत जो है वो पहले से भी राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बना के वो क्या करना चाहते हैं? इससे क्या हो गया कि एक जो कास्ट है वो एक साइड भी हो जाएगा, हिंदू है हिंदू रह जाएगा, लेकिन बाकी लोग जो है वो इतने सालों से होते यहीं पे है ना। धर्म और जो धर्म ग्रंथ ये सब अगर वो ना करके वो अगर युवा को नौकरी देंगे, हम यहाँ पे यही आए हैं, वो युवाओं को नौकरी दे, बच्चों को शिक्षा दे, बूढ़ों को खाना दे, बूढ़ों की सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए उनको कुछ करे, कदम निभाए। जो जैसे उन्होंने कि पेंशन वगैरह बंद कर दिया, आप आज बोलिए कि अगर मेरी मेरे पास मेरी मदर है, मेरी सास है, अगर उनके पास पेंशन है, जो विधवा पेंशन मिलता था, जो भी ये सब बंद करा दिया, तो मैं कहाँ से उनके लिए कुछ करूँ? अगर उनको वो अगर बीमार हो जाएंगे तो मैं उनको कहाँ से लेके जाऊँगी? आप हेल्थ सेक्टर में देखिए कितना बुरा हाल है। तो ये सब ना करके आप उसका जो उन्होंने जो बजट बनाया, जो कॉर्पोरेट के लिए जो उन्होंने छूट दी है, वो बजट का छूट अगर वो आम जनता के लिए देते तो बहुत अच्छा हो।